आज के अब जो अपना टॉपिक है वो रहेगा गुप्त प्रशासन बीए फर्स्ट ईयर के लिए। गुप्त सम्राटों ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा जो छोटे शासक थे उनके ऊपर अपनी श्रेष्ठता भी इन्होंने स्थापित की है। यानी जो गुप्त सम्राट थे उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की हैं, जिनमें महाराजा धीराज की है, महापरम भट्टारक है, और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए। गुप्त जो अभिलेख हैं उनमें अप्रतिरथ की उपाधि भी मिलती है, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय योद्धा। इस समय में जो राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था वो लोकप्रिय नहीं रहा। बाणभट्ट ने इस सिद्धांत का तिरस्कार किया है। राजपद वंशानुगत था, यानी जिस तरह से पहले चलता रहा था कि राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन हमेशा जो राजगद्दी थी वो बड़े पुत्र को नहीं मिलती थी। राजा को धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का रक्षक बताया गया है, और गुप्त वंश के सभी शासक विष्णु के भक्त थे, इसलिए इनको विष्णु के अवतार के रूप में भी देखा जाता था, और चारों वर्णों के हितों के रक्षक के रूप में इन राजाओं को बताया गया है। मौर्य काल के केंद्रीय नियंत्रण के विपरीत जो मौर्य काल और गुप्त काल के प्रशासन में सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि मौर्य काल में प्रशासन का केंद्रीकरण था, जबकि गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी उसको बढ़ावा मिला है। और गुप्त शासक जो थे वो पराजित शासकों के राज्य को अधिग्रहण नहीं करते थे, उस पर अपना अधिकार नहीं करते थे, बल्कि वो राज्य उनसे कुछ उपहार, भेंट और कर लेकर उनको वापस सौंप देते थे। इस तरह से विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी और गुप्तों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सामंती व्यवस्था हो गई। यानी जो पराजित राजा थे वो उनके सामंत बन गए, और उस क्षेत्र का जो राज्य करना था वो उसी राजा का अधिकार था, बदले में उसे जो गुप्त शासक था उसको कोई कर और उपहार देना पड़ता था। इस प्रकार से मौर्य युग और गुप्त काल के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर आया वो ये आया कि जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी वो विकेंद्रीकरण के अंदर परिवर्तित हो गई, और गुप्तों का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सामंती हो गई। गुप्तकालीन जो अधिकारी हैं उनमें जो प्रमुख हैं, प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक है, महाप्रतिहार राजमहल का जो सुरक्षा अधिकारी था, महाबलाधिकृत सेना के सर्वोच्च अधिकारी, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश, महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का अधिकारी, और विदेश मंत्री, पुष्पपाल भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी, मार्क्स पटलिक आयव्य का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, कुमार माते सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, पूर्वपाल नगर का मुख्य अधिकारी, अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी, कर्णिक लिपिक। यानी जो गुप्तकालीन व्यवस्था थी प्रशासन की व्यवस्था वो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, और उसके अंदर अनेक अधिकारी होते थे, जिसमें अंतःपुर से लेकर राजमहल, सेना, न्याय के प्रति उत्तरदायी, विदेशी जो राज्य हैं उनके प्रति उत्तरदायी, भूमि से संबंधित लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो कानून व्यवस्था का ध्यान रखते थे, वन अधिकारी, इन सब के अलग अलग अधिकारी थे, और इनके लिए काम करने के लिए लिपिक भी रखे जाते थे जिनको कर्णिक कहा जाता था। तो एक तरह से सुव्यवस्थित व्यवस्था थी जिसके अंदर ये अधिकारी हुआ करते थे। गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंत्री जिनमें वीरसेन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह था, पृथ्वीसेन, कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री था हरिसेन, समुद्रगुप्त का संधि विग्रह महादंडनायक और कुमार माते था शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था आम्रकारदेव, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। गुप्त प्रशासन में मौर्य, सातवाहन, शक व कुषाण इन सभी प्रशासन के अंश थे। गुप्त नौकरशाही मौर्य नौकरशाही जितनी व्यापक नहीं थी, क्योंकि गुप्त शासकों ने मौर्यों की भांति आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का अधिक नियंत्रण नहीं किया। कहने का अर्थ है केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया। मंत्री तथा अमाते राजकीय कार्यों में सम्राट को सहायता देते थे, और मंत्री और अमात्यों में अंतर भी होता था। मंत्री का जो मुख्य काम था वो राजा को मंत्रणा देना था, जो भी विषय होते थे उन पर अपनी राय देते थे,
गुप्त युग में मंत्री परिषद भी होती थी, यानी कुछ मंत्रियों का समूह होता था जो राजा को देता था। इसका उल्लेख कामंदक व कालिदास ने किया है। कात्यायन जो स्मृति है उसके अंदर अमात्यों की नियुक्ति में यह बताया गया है कि ज़्यादातर लोग ब्राह्मण वर्ग से हुआ करते थे। गुप्त काल के अंदर जो उच्च पद थे वो धीरे धीरे वंशानुगत होने लगे, और इसका हरिसेन और वीरसेन उदाहरण है। हरिसेन और वीरसेन पिता पुत्र थे जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में अमाते थे। इसी तरह पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र के अधिकारी थे। यानी जो राजा का पद था वो ही वंशानुगत नहीं था, बल्कि जो बड़े पद थे उनमें भी वंशानुगत कुछ पद होने लग गए। तो इस तरह से पदों के अंदर भी वंशानुगतता आ गई। गुप्त साम्राज्य में कुमारमाते सबसे बड़ा अधिकारी होता था। उनको राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था और उन्हें नगद वेतन मिलता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे भूमिदान की प्रथा भी चल पड़ी। सातवाहन काल में भूमि अनुदान ब्राह्मणों और पुरोहितों को ही दिया जाता था, लेकिन गुप्त काल के अंत में प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। ये भी एक परिवर्तन आता है पहले से, कि गुप्त काल के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भूमि का अनुदान दिया जाने लगा, यानी वेतन के स्थान पर भूमि दी जाने लगी कुछ जगह पर। छठी शताब्दी के आते आते कुमारमाते जैसे अधिकारी भी सम्राट की अनुमति के बिना भूमिदान करने लगे, यानी ये प्रवृत्ति बढ़ती गई भूमिदान देने की, और जो सामंत थे वो धीरे धीरे अपनी भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए। सामंतों का सम्राट से मात्र इतना संपर्क था कि वे समय समय पर सम्राट को उपहार भेंट आदि प्रस्तुत कर सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते थे। बाकी सारा काम अपना जो राज्य होता था उसमें सामंत अपनी मर्जी के अनुसार करता था। गुप्त शासकों का जो राज चिन्ह है वो गरुड़ था। इस तरह से जो गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन था उसमें केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण, और गुप्तकालीन अनेक अधिकारी थे, यानी हर क्षेत्र के अंदर अधिकारी नियुक्त थे। कुछ पद वंशानुगत हो गए थे और कुछ पदों पर राजा अपने हिसाब से नियुक्ति किया करता था। इसके अलावा इस काल के अंदर सामंत प्रथा को प्रोत्साहन मिला, भूमि अनुदान देने की प्रथा भी शुरू हुई, यानी जो राजकीय अधिकारी थे उनको भूमि अनुदान इस समय में दिया जाने लगा। जिस तरह से केंद्रीय प्रशासन था उसी तरह से गुप्त काल के अंदर प्रांतीय जो प्रशासन था उसको भी एक सुव्यवस्थित रूप दिया गया, और जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसको देश और भुक्ति के नाम से जाता था। जो देश के नाम से जानी जाती थी उनके प्रशासक को गोप्ता, और जो भुक्ति के नाम से जानी जाती थी उसके अधिकारी को भोगिक भोगपति के नाम से जाना जाता था। भुक्तियों को विषयों में बांटा गया था, विषय आज के जिले की तरह था, और विषय का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको विषयपति कहते थे। विषयपति की नियुक्ति संबंधी प्रांत के उपरिक्त द्वारा की जाती थी, और विषयपति को सलाह देने के लिए एक विषय परिषद होती थी जिसके अंदर नगर श्रेष्ठी सार्थवाह प्रथम कुलिक प्रथम कायस्थ होते थे। विषयपति के प्रधान कार्यालय को अधिष्ठान और अभिलोकों को सुरक्षित रखने के लिए पुस्तपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिस तरह से केंद्रीय प्रशासन में भी पुस्तपाल की नियुक्ति की जाती थी जो कि लेखा जोखा रखता था। विषय को पेट या विधि में बांटा गया था। पेट का उल्लेख खो का जो अभिलेख है उसके अंदर प्राप्त होता है। नगर का जो प्रधान अधिकारी था वो पूरपाल के नाम से जाना जाता था, और ये कुमारमाते की श्रेणी का अधिकारी होता था। जूनागढ़ का जो लेख है उससे पता चलता है कि गिरनार नगर का पूरपाल चक्रपालित था। गांव का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो ग्रामिक, उसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम समूह की छोटी इकाइयों को पेट या पाठक के नाम से जानते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम होती थी। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली भी कहा जाता था। ग्राम सभा गांव की सुरक्षा, निर्माण कार्य, राजस्व वसूली कर, राजकोष में जमा कराना आदि कार्य करती थी। दामोदर ताम्र पत्र में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम जैसे महतर, अष्टकुलाधिकारी, ग्राम्बिक, कुटुम्बिन आदि मिलते हैं। तमावारक भी ग्राम सभा से जुड़ा अधिकारी था। इस तरह से जो गुप्त प्रशासन था
वो एक सुव्यवस्थित प्रशासन था। गुप्त जो राजा थे उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जिसमें महाराजाधिराज, परम भट्टारक, अप्रतिरथ जैसी उपाधियां थी। गुप्त काल में राजा की देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका तिरस्कार भी किया गया है, लेकिन राजपद वंशानुगत था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। गुप्त काल के अंदर मौर्य काल के विपरीत जो केंद्रीकरण था उस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण में बांट दिया गया, और गुप्त राजाओं ने जिन राजाओं को पराजित किया उनसे उपहार और कर लेकर उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया। अनेक अधिकारी थे, अधिकारियों को मंत्री तथा अमात्य के रूप में बांटा गया था। कुमार मात्य सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। इन अधिकारियों के अलावा मंत्री होते थे, मंत्रियों की एक मंत्री परिषद भी होती थी जो राजा को सलाह देती थी। मंत्रियों के पद या उच्च पद भी वंशानुगत हो गए थे, यानी पिता के बाद में बेटा उसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। इसके अलावा सातवाहन काल तक भूमि का जो अनुदान है वो ब्राह्मणों और पुरोहितों को ही दिया जाता था, लेकिन गुप्त काल में आते आते प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लग गया, यानी सामंतवाद को बढ़ावा मिला और सामंत ही अपनी भूमि का वास्तविक स्वामी बन गया, और सामंत और राजा के बीच में संबंध सिर्फ निष्ठा का रह गया। गुप्तों ने अपने जो प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था थी उसको भी सुदृढ़ किया, और दो तरह की पारदेशिक इकाई थी, एक देश एक भुक्ति। इससे छोटी इकाई विषय होती थी और विषय से छोटी इकाई पीठी और विधि भी बांटा गया, और जो सबसे प्रशासन की छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम सभा गांव की सुरक्षा, निर्माण, राजस्व वसूली ये सारे कार्य करती थी। और गांव के अंदर भी कई अधिकारी होते थे जिनमें महत्तर है, अष्टकुलाधिकारी है, ग्रामिक है, कुटुम्बिन है। इस तरह से गुप्त प्रशासन एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। धन्यवाद।